इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन क्वेश्चंस को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है और हमें एलसीएम एंड एचसीएफ उनका निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें दे रखा है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 के लिए। 12 के फैक्टर्स होंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, तो 2 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल है तो ये 3 टाइम जाएगा, एंड अब ये 3 से डिविजिबल है तो ये 1 टाइम जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। सेकेंड है हमारा 15, ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 3 से डिविजिबल है तो 3 का डिवाइड लगाएंगे 15 में, तो ये 5 टाइम गया और अब ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो दिस इज 1। तो हम लिख लेंगे 15 के भी प्राइम फैक्टर्स 3 × 5। अब हमको 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो 21 के लिए देख लेते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड लगाएंगे, 7 टाइम गया, अब ये 7 से ही डिविजिबल होगा, 7 बन जा 7। तो अब 21 के भी हम प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। अब हमको एचसीएफ एंड एलसीएम देखना है, तो एलसीएम एलसीएम देखने के लिए क्या करते हैं, जो भी संख्याएं हैं उनका जो मैक्सिमम पावर आई है हमारी प्राइम फैक्टर्स में उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का जो मैक्सिमम पावर है यानी कि वो 2 टाइम है, यानी 2 × 2 लिख सकते हैं इसको हम। अब हम 3 को देखेंगे, तो 3 क्या है, 1 टाइम है तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। 5 है वो भी 1 टाइम है तो 5 लिख लेंगे, एंड 7 है, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके 420, तो इसका मल्टीप्लाई करके 420, तो हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं कि तीनों में जो डिजिट कॉमन है वो उसका एचसीएफ होता है। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, तो सिर्फ इसमें क्या है, 3 कॉमन है जो तीनों में दे रखा है, तो 3 देखिए यहाँ पे इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके अलावा कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, उसको देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि है 17, 23 एंड 29। अगर आपको पहले से ही पता है प्राइम नंबर्स के बारे में तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जो 17 है स्टूडेंट्स वो एक प्राइम नंबर है, और 17 के फैक्टर क्या होंगे, वो नंबर खुद और 1, यानी जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स वो इटसेल्फ और 1 होता है। तो 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 एंड 1 होगा, सेम एज 23 के लिए, 23 एंड 1, एंड सेम एज 29 के लिए जो होगा 29 × 1। अब हमको इसका भी एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो देख लेते हैं। इसका सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे, तो हमने बताया था कि एचसीएफ के लिए क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैसे हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, बट जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ स्टूडेंट्स 1 कॉमन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने 1 लिखा है, चाहे 1 से इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए आप, एलसीएम क्या होगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 11339, तो इसका ये एलसीएम आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, जो सब पार्ट है उसमें, तो देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं 8 के, तो अब देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो उन बच्चों के लिए था जो जिनको बिल्कुल बेसिक से नहीं आता है। तो अब यहाँ देखते हैं हम 8 के लिए, तो 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्राइम फैक्टर करके देख सकते हैं। अब 9 के फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 या 9 होता है, एंड 25 स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5। अब हमें यहाँ पे भी एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ में हमने बताया था कॉमन देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1।
तो इसका एलसीएफ 1 आ चुका है एंड एलजीएम देखते हैं, तो हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे देखिए 2 की जो 2 है उसका मैक्सिमम कितने टाइम है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।